डियर सोन सर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल के थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड कर ले। तो ये डियर सोन सर आर्टिकल 7.3.3.1 है मैथमेटिक्स के क्लास 10th के बुक का। तो डियर सोन सर, आज हम पढ़ते हैं कि यूनिट सर्कल क्या है। तो स्टूडेंट्स, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 1 हो। रेडियस कोई सर्कल जिसकी रेडियस 1 हो, ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 1 के बराबर हो, ठीक है, और सेंटर उसका बिल्कुल ओरिजिन पे हो, तो इसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट जो है बिल्कुल सर्कल के ऊपर है और उसका जो रेडियस है वो ओ पी है, यानी ओ से लेके पी तक जो डिस्टेंस है उसको हम जो है वो बराबर तो 1 के है, लेकिन ये ओ पी रे जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एंगल थीटा जब ये बना रहा है तो हमारे पास एक ट्राइंगल जो है वो बनता है। अब अगर इस पॉइंट पी को हम नीचे प्रोजेक्ट करें इस पॉइंट ए पे, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाता है, और वो ट्राइंगल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है वो डेल्टा ओ ए पी हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में अगर हम देख ले तो इसमें जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है हमारे पास, एंगल ए जो है हमारे पास वो बराबर है 90 डिग्री की। ये जो ट्राइंगल है ये जो एंगल है ये हमारे पास अब 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है ये एंगल हमारे पास, मैं अब शो नहीं हो रहा, अब शो हो जाएगा, ये एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो होता है इसमें एक्स का मतलब ये है कि हम एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट इतना दूर है, एक्स यूनिट्स दूर है, और इस वाई का मतलब जो सेकंड पॉइंट होता है, इस वाई का मतलब ये है कि ये वाई एक्सिस से इतना दूर, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे ये इतना दूर है, तो इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स और वाई बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम देख ले इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम एक्स कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम वाई कहते हैं। अब हम ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, आप इसी ट्राइंगल पे सोचे, फिलहाल सर्कल को ना सोचे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस ट्राइंगल पे अगर हम कॉस थीटा साइन थीटा और ये चीज अप्लाई करें तो हमें पता चलेगा कि इस ट्राइंगल में कॉस थीटा जो है वो क्या है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो बेस हमारे पास क्या है, यानी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास ओ ए है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ पी है, ठीक है जी। ओ ए जो है वो डिस्टेंस उसको हमने एक्स कहा हुआ है, और ये जो ओ से लेके पी तक ये तो रेडियस है, और रेडियस 1 है क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो इसको हम 1 कहते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो कॉस थीटा है वो एक्स के बराबर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट्स साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो इस वक्त परपेंडिकुलर जो है वो पी ए डिस्टेंस है, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ओ पी डिस्टेंस है। तो पी ए डिस्टेंस जो है इस वक्त हमारे पास y के बराबर है और हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर है। तो sin थीटा जो है हमारे पास sin थीटा y के बराबर हो गया और cos थीटा x के बराबर हो गया, ठीक है जी। तो इस वक्त हमारे पास sin थीटा जो है वो y के बराबर हो गया, ठीक है। और टेंजेंट थीटा को अगर हम यहाँ पे देख ले तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर है। तो इस वक्त परपेंडिकुलर हमारे पास ए पी या पी ए डिस्टेंस है, डिवाइड बाय बेस जो है वो हमारे पास ओ ए डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास इस वक्त वाई है और बेस हमारे पास एक्स के बराबर था, ठीक है, तो ये वाई बाय एक्स के बराबर हो गया, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, जो बात हमने कर दी थी असल में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ यूनिट सर्कल जो है वो क्या है, साइन थीटा वो वाई के बराबर हो गया, कॉस थीटा जो है वो एक्स के बराबर हो गया, और टेंजेंट थीटा जो है वो वाई बाई एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये वाई जो है क्या है, पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी, इस पॉइंट पी को हम अब अगर हम देख ले, इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई है। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है एक्स के बजाय, हम अगर ये पॉइंट पी था एक्स के बजाय, एक्स तो कॉस थीटा के बराबर है ना, तो एक्स के बजाय अगर हम कॉस थीटा लिख दे यहाँ पे, ठीक है, और वाई के बजाय अगर हम साइन थीटा लिख दे, तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पॉइंट पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स के भी बराबर है, लेकिन पॉइंट पी जो है वो कॉस थीटा और साइन थीटा के भी बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तरीका था, और टेंजेंट थीटा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी डिवाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये चीजें थी, ठीक है। अब ये हमने इसमें टेंजेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये चीजें फाइंड कर लिए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की बात कर ले, तो अगर हमारे पास साइन थीटा जो है वो वाई के बराबर है, तो 1 ओवर साइन थीटा जो है वो 1 ओवर वाई के बराबर हो जाएगा।
और वन ओवर साइन थीटा को हम कोसेकंट थीटा भी कहते हैं, तो कोसेकंट थीटा वन ओवर वाई के बराबर हो गया। इसी तरह कॉस के लिए सेकंट थीटा वन ओवर एक्स हो जाएगा, और कोटेंजेंट थीटा जो है चूंकि वाई बाई एक्स है तो ये एक्स बाई वाई हो जाएगा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज भी इस तरह इससे निकल आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये तरीका था इसके सॉल्व करने का, ये जो हमने पढ़ लिया है। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये थीटा, थीटा तो जनरल वैल्यू है ना, अब थीटा अगर 30 हो जाए, 40 हो जाए, 45 हो जाए, 69 हो जाए, 90 से कम कोई भी एंगल हो जाए तो उसके लिए वैल्यूज क्या होंगे, तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये यूनिट सर्कल था, इसको मैंने एक्सप्लेन करना था, और ये इसी तरह मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। इंशाल्लाह एक एनिमेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यूनिट सर्कल अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करें, यानी ये पॉइंट जो है ये अगर हम इस सर्कल के अलॉन्ग मूव करें तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे मूव करके इधर तक ले आए तो यहाँ पे जब वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कॉस थीटा बच जाएगा और साइन थीटा जो है आपकी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाए, यहाँ तक अगर आप आ जाए, तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस जीरो है ना, एक्स एक्सिस जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है कॉस थीटा आपका जीरो हो जाएगा और साइन थीटा आपका वन हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ मैक्सिमम वन है। ठीक है, ये सारा वन है। फिर अगर आप इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपका जो है ये माइनस माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर आप इस पॉइंट को इधर ले आइए तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस जीरो है और वाई जो है आपका माइनस वन है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो माइनस वन है, तो ये माइनस वन पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह सर्कल के चारों पॉइंट जो है वो हमने मालूम कर लिए हैं, ये वन जीरो हो गया, ये जीरो वन हो गया, ये पॉइंट, ये माइनस वन जीरो हो गया, ये जीरो माइनस वन हो गया। इसके दरमियान जो वैल्यूज है एक्स और वाई की वो वन से लेस और माइनस वन से मोर, इस तरह ये वैल्यूज जो हैं वो आती जाएंगे, यानी वन और माइनस वन के दरमियान ये सर्कल की वैल्यूज जो हैं वो कोई भी किसी भी एंगल का अगर आप कॉस थीटा साइन थीटा ले ले तो वन और माइनस वन के दरमियान ही आता जाएगा, यानी माइनस वन से मजीद नीचे नहीं जाएगा और वन से ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी एंगल हो उसका अगर आप कॉस और साइन ले लें तो वो माइनस वन से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा और वन से जो है ऊपर नहीं जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आप लोगों के लिए काफी होगा। नेक्स्ट इसके साथ मैं एक एनिमेशन दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों एनिमेशन देखते हैं, इस एनिमेशन को जरा देखते हैं। और इस एनिमेशन में अब हम देख रहे हैं कि यूनिट सर्कल जो है उसका रेडियस बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है और ये बिल्कुल जीरो एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, इसलिए जो है कॉस की वैल्यू जो है वो वन है और साइन की वैल्यू जो है वो जीरो है और टेंजेंट की वैल्यू भी हमारे पास जीरो है। अब अगर मैं एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दूं, अगर इसको मैं डिग्रीज में एंगल्स को अगर मैं यहाँ पे शो कर दूं, तो ये अगर आप देखें ये 30 डिग्री तक मैं इधर आ गया, तो 30 डिग्री पे ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है ये ऐसे ना यहाँ प्लस वन से इधर माइनस वन आएगी ब्लू, और वाई की वैल्यू जो है अलोंग द वाई एक्सिस ट्रेवल करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब अगर मैं 30 एंगल पे जाऊं तो ये देखे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ रहे हैं, टेंजेंट की वैल्यू भी आ रही है, ऊपर शो हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं, अगर मैं यहाँ पे जाऊं पाई बाई थ्री जो है 60 एंगल अगर मैं देखूं तो 60 पे भी सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जो कि कॉस थीटा का है, वाई कोऑर्डिनेट जिसको हम साइन थीटा कहते हैं, और टेंजेंट थीटा, तीनों जो है हमारे पास वो शो हो रहे हैं। कॉस कोऑर्डिनेट ब्लू में है, वाई कोऑर्डिनेट ग्रीन में है और टेंजेंट कोऑर्डिनेट रेड में है। ठीक है, अब अगर मैं जाऊँ ऐसे तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो जब मैं 90 डिग्री पे पहुंच जाता हूँ तो टेंजेंट जो है उसने कोई वैल्यू तो ली है, लेकिन असल में ये रेडियन में ली है ना, टेंजेंट 1.571 ये रेडियन में है। ठीक है, तो टेंजेंट पाई बाई टू 1.571 होता है, तो टेंजेंट 90 अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट 90 अनडिफाइंड है क्योंकि टेंजेंट बराबर होता है साइन बाई कास के, साइन वन है और कास जीरो है, तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ग्रीन वैल्यू तो ये साइन की वैल्यू है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू वन है और अब यहाँ पे जो ब्लू वैल्यू है वो जीरो है, आपको शो भी हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं मजीद एंगल बढ़ाऊँ तो यहाँ पे मैं जाऊँ 2π/3। ठीक है, तो 2π/3 में कॉस की वैल्यू जो है वो माइनस में जा रही है और साइन अभी भी ऊपर चल रहा है, तो साइन की वैल्यू जो ग्रीन में है वो अभी भी हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं यहाँ तक आ जाऊं बिल्कुल माइनस वन वाली साइड पे, तो ये कि यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू है वो माइनस वन हो जाएगी कॉस ऑफ द एंगल। ठीक है ना, एंगल 3.142 है, यानी कॉस ऑफ 180 जो है, कॉस पाई जिसे कहते हैं, या रेडियन में है ना, 3.142 रेडियन में है। ठीक है,
साइन की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, टेंजेंट की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो है, क्योंकि जीरो बाई वन जीरो के बराबर होता है, इसलिए टेंजेंट 180 जो है वो जीरो के बराबर है। ठीक है जी, अब मैं अगर नीचे जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ वाई की वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव में बढ़ रही है। तो अगर आप देखें वाई की वैल्यू एलॉन्ग दी वाई एक्सिस जो है वो -1 से लेके प्लस वन तक जो है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसके बाद ये -1 से जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है जी, तो ये वाई की वैल्यू अगर आप ग्रीन को देखें, तो ग्रीन वैल्यू जो है वो मैक्सिमम +1 है और मिनिमम जो है -1 है। अगर आप यहाँ पे ब्लू वैल्यू को देखें, तो ब्लू वैल्यू मैक्सिमम +1 है और मिनिमम जो है वो -1 है। तो ये जो है आपने यूनिट सर्कल में देखा कि हर एक एंगल के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास आ रहे हैं, और एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं वो प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, उस पर भी हमारे पास वैल्यूज शो हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस जो है वो +1 से -1 में जो है वो चेंज होती रहती है, और वाई की वैल्यू जो है वो +1 से -1 में चेंज होती रहती है। तो अस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय।